फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ तानाजी चैनल। इसके मुख्य कलाकार अजय देवगन है, इसमें इनका नाम रहता है तानाजी, उनकी वाइफ काजल और सैफ अली खान उदय भान के नाम पे इस मूवी में नजर आ रहे हैं। ये लड़ाई 1617-70 की है, जो कोंदाड़ा की लड़ाई है, और इस लड़ाई का प्रोत्साहन औरंगजेब के तरफ से होता है। वो उदय भान सिंह जो उनका सेनापति रहता है औरंगजेब, उससे कहता है कि तुम दक्षिण की तरह का जो मराठों का एरिया है उस पे जाके फतह करके आओ। ऑलरेडी मुगल का साम्राज्य पूरी तरह से उत्तर भारत में फैला रहता है, और दक्षिण भारत में फतह हासिल करने के लिए औरंगजेब अपने सेनापति जो सैफ अली खान है उदय भान को दक्षिण के कुंदाड़ा की लड़ाई के लिए उसे रवाना करता है। और ये लड़ाई मेनली अजय देवगन जो तानाजी है उनके और उदय भान के बीच में होती है। इस लड़ाई में दोनों की लड़ाई होने के बाद जो है अजय देवगन की भी मृत्यु हो जाती है और उदय भान की भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो मराठा है वो उदय भान के विपक्ष में इनकी फतह हो जाती है। और फिर और जब मराठे उदय भान के से विजय प्राप्त होती है तो अपने विजय प्राप्ति में जोर से एक विजय प्राप्ति का स्लोगन गाने लगते हैं, जो गढ़ आला पान सिंह गेला, मतलब कि हमने किले पर फतह हासिल कर दी है और जो है शेर जो है मारा गया है, और जो शेर मारा गया है वो रहते हैं तानाजी। तो जब शिवाजी छत्रपति शिवाजी को पता चलता है कि उनका जो बहादुर सेनापति तानाजी को मृत्यु प्राप्त हो गई है इस युद्ध में, तो उनके नाम पे उस किले का नाम वो लोग सिंघाड़ रख देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।